कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगे ग्रहण को हटाने के लिए लगातार पार्षद ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन न जाने सरकार कब जागेगी, अधिकारी कब जागेंगे और जिला प्रशासन कब जागेगा और कब कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी सिटी स्केयर पर लगा ग्रहण कब दूर होगा। काफी वर्षों से ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्केयर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, लेकिन वो ड्रीम प्रोजेक्ट कब बनकर तैयार होगा ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार पार्षद ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में पार्षदों द्वारा एकजुट होकर ईओ साहब को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उसमें क्या कुछ मांग की गई उसको लेकर बातचीत करेंगे। मोहन जी पार्षद हमारे साथ, मोहन जी ज्ञापन दिया गया क्या कुछ उस ज्ञापन में था और क्या ज्ञापन में? हमने आज सभी पार्षदों ने मिलकर माननीय नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलि जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी है कि शहर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्केयर है, सिटी स्केयर के मामले में कोताही ना बरती जाए और जो ठेकेदार जिस तरह से काम कर रहा है और उसका जो ढुलमुल जो रवैया है वो काफ़ी चिंताजनक है और शहर के लिए कहीं ना कहीं वो विकास में रोड़ा अटका रहा है। जो ठेकेदार है वो अधिकारियों को और पार्षदों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने के प्रयास में है। आज तक 18 से लेकर आज तक 2024 तक सिटी स्केयर पर जहां काम कभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए था केवल मात्र 30% काम हुआ है, और सही मायने में अगर देखें तो पिछले एक वर्ष में केवल मात्र सिर्फ 5% काम हो पाया है, जो कि नगर परिषद कैथल के अधिकारियों के लिए पार्षदों के लिए शर्म की बात है। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को हमने पहले भी जो है इस मामले में चेताया था और अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करते हुए सिटी स्केयर के जो ठेकेदार है उसको 5,26,00,000 रुपए का जुर्माना किया था, लेकिन आज तक भी वो जुर्माने की राशि रिकवर नहीं की गई, जो कि सबसे जरूरी है। तो अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा हो गया, बिल्कुल, यानी कि करोड़ों की राशि अब तक ठेकेदार के पास है लेकिन उसे वसूली नहीं गई, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी अब सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पे चढ़ाकर अधिकारियों को गुमराह करके और जो है नगर परिषद के खून पिसने के लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पना चाहता है, लेकिन पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए उस पर लगाम लगाने के लिए हमने आज ये मांग की है कि उससे 5,26,00,000 रुपए की राशि बरामद की जाए और इस टेंडर को रद्द किया जाए, क्योंकि इस ठेकेदार के पूरे हरियाणा में 100 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे थे, सभी में ये ब्लैकलिस्ट है। ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद पता नहीं सरकार इस पर क्यों मेहरबान है, सरकार इसको समय पर दी जा रही है जो निंदनीय है। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो, उच्च न्यायालय से विचाराधीन केस हो इनका, और GST घोटाले में अंदर रहा हो और माननीय उच्च न्यायालय के केस विचाराधीन में है, और इस पर क्यों मेहरबान है और सरकार उस पर मेहरबान है? सरकार तो अगर सही मायने में देखें तो सिटी स्केयर में जो काम चल रहा है वो वर्क ऑर्डर के अनुसार नहीं चल रहा, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, केवल लिपापोती का काम हो रहा है। मैं इन अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ कि ये या तो बाज आ जाए या उस ठेकेदार को सीधा सीधा उसका टेंडर रद्द करें, अन्यथा हमें जनहित को देखते हुए जनता को साथ लेकर इनके विगुल संघर्ष का विगुल बजाना पड़ेगा। चलिए गोगिया साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो सिटी स्केयर का सपना जो कैथल वासियों के लिए सजोया था क्या वो पूर्ण हो पाएगा अगर इस कड़ी से काम होगा तो? मुझे तो नहीं लगता ये हो पाएगा। इसकी वजह है जितना भी पुराना सरिया पड़ा था, जितना पुराना सरिया पड़ा था 2017 के अंदर आया था, 7 साल पुराना सरिया, इन्होंने वो सरिया अब खपाया है लेंटर के अंदर। इसकी हमने सदन के अंदर आवाज़ भी उठाई थी, तब अधिकारियों ने कहा था जी हम इसकी जांच करेंगे और इसके ऊपर होगा तो कार्रवाई भी करेंगे और तोड़वा देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चेयरमैन साहब ने कहा था भी 1 महीने के बाद मीटिंग रखेंगे सिटी स्क्वायर की, उसके लिए तो ना सिटी स्क्वायर की मीटिंग रखी गई आज तक इस बात को, और अभी भी काम चल रहा है यानी कि टेंडर खत्म हो चुका है। इससे तो जनता की जान को भी जोखिम है, क्योंकि काफी साल पुराना सरिया अगर लेंटर में खपाया गया है तो कहीं ना कहीं भविष्य में जनता की जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल है जी, अधिकारी से बात पूछी भी गई थी, अगर किसी की जान का नुकसान होता है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? तो अधिकारी इस बात पे चुप होकर बैठे, लीपापोती चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। तो क्या लगता है क्या कारण होंगे, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा, क्या पीछे का राज लग सकता है? ये ठेकेदार की और अधिकारियों की मिली जुली
साठगांठ चल रही है, जिस हिसाब से ये काम चल रहा है अंडर द टेबल ऑन द टेबल। चलिए फिलहाल ये अपनी व्यक्तिगत विचार है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, आरोप पर फिलहाल लगते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम कहाँ देखते हैं, कब बनकर तैयार होगा कैथल का ड्रीम प्रोजेक्ट? लगता है कि जिंदा रहेंगे तब तक बन जाएगा। जिंदा जिंदा तो तब रहेंगे जब जंग लगा सरिया वहाँ लग रहा है, तो वो तो मौत का कुआं बन रहा है। जैसे SCS आए थे परसों यहाँ, हमने उनके आगे मैंने मांग रखी, मैंने मेरी मांग नहीं थी, वो शहर की मांग थी, तो मेरे को बोला गया कि आप तो भाषण दे रहे हो। तो जब अफसर लोग यहाँ के नहीं सुन रहे, जो बड़े अधिकारी आते हैं उनके आगे अपनी मांग रखते हैं, शहर की हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर हम नहीं मांग रखेंगे पहले अधिकारियों के पास। अधिकारियों का इस तरह का रवैया, क्या लगता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट बन पाएगा? नहीं, जब 2018 से लेके आज 2024 चल रहा है, अभी तक नहीं बना, तो अब क्या बनेगा? क्योंकि जो लगा पड़ा है वो भी मतलब खस्ता हालत में हो चुका है, और जब बन के आएगा तो वो मौत का कुआं बनेगा। लगता है क्या कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ चल रहा है? ये सारा सरकार की मिलीभगत है, लोगों को गुमराह किया जाए, और प्रशासन का इसमें सिद्ध मैं डरती हूँ। अच्छा, ये साहब बैठे हैं क्या? इसमें सरासर प्रशासन का भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि अगर बार बार कहने के जहाँ पार्षद आवाज उठा रहे हैं, तो पार्षद की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? कब तक ज्ञापन देंगे आप लोग भी? तो ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं। हम ज्ञापन देते रहेंगे, हम अपनी कहते हैं ना, हम हार नहीं मांगे, कभी तो हम जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक कानों पर जोंग रेंग पाए क्या अधिकारी। जी जी, अगर नहीं होगी तो फिर शहर की जो भी हमारी पब्लिक है, जिन्होंने हमारे को चुना है, फिर वो सड़कों पर उतरने पे उतारू हो जाएंगी। चलिए दिनेश जी, लगातार सिटी स्केयर मामला गरमाया हुआ है, लगातार आए दिन ये कहा जाता है कि बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन काफ़ी महीने बीत गए, साल भी बीतने को हैं, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। कहाँ देखते हैं मोहन जी, 2018 से लेकर और 2024 तक जिस प्रोजेक्ट का सिर्फ 30% काम हुआ हो, आपको लगता है वो पूरा हो जाएगा? और वो भी उसके हाथों में जिसने इसको बनाने में वर्क ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा दी, सारा पुराना सरिया नियमों को ताक पर रखकर, जबकि हमने सदन में भी विरोध कर चुके हैं, हम ज्ञापन पे ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला सुना नहीं, कार्रवाई हुई, अधिकारी भी मिले हुए, लगता है कि कुछ। देखो ये तो मीडिया हमसे ज्यादा समझदार है। नहीं, समझदारी नहीं, क्योंकि आप लोग पब्लिक जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक सब देख रही है। हमारा काम है जो जहां कहीं भी गलत होगा, पब्लिक ने हमें चुना है, जहां कहीं भी गलत होगा आवाज उठाना, उसका ज्ञापन देना, लोगों को जागरूक करना। अगर अधिकारी इस पे एक्शन लेंगे ठीक है, नहीं हम जनता की अदालत में जाएंगे। और 5,26,00,000 की राशि आज तक नहीं आई, सिर्फ नोटिस दिया गया लेकिन रिकवरी नहीं की गई, इसके पीछे भी कुछ लगता है? अब भी हमने यही ज्ञापन दिया है, एक तो इसकी जो 5,26,00,000 की 5,26,00,000 की जो राशि है उससे ली जाए, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये टेंडर है, जब पता है कि काम सही ढंग से वर्क ऑर्डर के अनुसार नहीं हो रहा, हम आवाज उठा चुके हैं, और बोला गया था कि सभी पार्षदों को लेकर हम उसकी विजिट करेंगे, उन्होंने नहीं की, हमने की है विजिट, हमने देखा है वहां धांधली है, हमने आवाज भी उठाई, तो क्यों नहीं उसको रद्द किया जा रहा है? पता है ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर रहा है, पता है ठेकेदार ब्लैकलिस्ट है, पता है ठेकेदार हर मामले में करप्ट है, तो क्यों नहीं आवाज उठ रही, क्यों नहीं उसको रद्द किया जा रहा है? बस यही हमारी मांग है। इंदल साहब, आपको भी लगता है कुछ कि कब तक बनेगा? मैं पूछूंगा तो नहीं बनेगा। अगर ये कितने साल हो गए इसने, 18 तो लेगा, 24 हो गया अब तक, कितना टाइम लगा? 34 हो जाएगा, बनेगा तो नहीं बनता, उम्मीदें छोड़ दी हैं। भ्रष्टाचार हो रहा बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। अच्छा चलिए, ये साहब बैठे हैं क्या? चलो, ये अंत में अगर नहीं सुनवाई हुई मोहन जी, तो क्या कदम उठाया जाएगा? ऐसा भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बंदरबांट के विरुद्ध, और इस तरह के जो ठेकेदार द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है, उसके विरुद्ध जनता की अदालत में जाकर अधिकारियों की और ठेकेदार की ईंट सेट बजा देंगे। चलिए, ईओ साहब से भी जानेंगे इस ज्ञापन को लेकर, और ईओ साहब बैठे हैं, तो ईओ साहब से भी फिलहाल, ईओ साहब मीटिंग में है, लेकिन उनका भी वर्जन जानेंगे कि जो आज ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और कब जो प्लेंटी जो रिकवरी का नोटिस ठेकेदार को दिया गया, क्या वो रिकवरी हो पाएगी, या फिर ऐसे ही बंदर बांट चलती रहेगी, क्योंकि आरोप पार्षद लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा करते हैं कि आखिरकार क्यों सरकार उस ठेकेदार के दबाव में है? क्यों सरकार, जो GST के मामले में जेल जा चुका है और न जाने कितने मुकदमे उन पर चले हुए हैं, लेकिन सरकार फिर भी उस ठेकेदार को लगातार ठेके दे रही है? क्यों नहीं ठेकेदार बदला जा रहा, क्यों नहीं कैथल का सिटी स्केयर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जा रहा? बड़े बड़े सवाल है, लेकिन ये साहब से जानेंगे इस ज्ञापन को लेकर आगामी क्या कुछ कार्रवाई की जाए।